चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपको एयरपोर्ट के एकदम सामने ही मेट्रो मिल जाएगी, तो हम भी मेट्रो की तरफ चल पड़े। वैसे तो गर्मी बहुत थी, पर हवा जब जब चल रही थी तब तब अच्छा लग रहा था। और ये आ गया मेट्रो स्टेशन, एंड ये देखकर अच्छा लगा, कोविड टाइम का इनोवेशन जहां पैरों से ही ऑपरेट कर सकते हो आप पूरी लिफ्ट को। तो आपको एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन से जाना है CMBT मेट्रो स्टेशन, जिसका चार्ज आपको लगेगा अराउंड 32 रुपीज पर हेड अगर आप QR कोड स्कैन करके बुक करोगे तो, वरना अगर कैश करोगे तो 40 रुपीज पर हेड। CMBT एक्चुअली बस स्टैंड है जहां से आपको पौंडीचेरी की डायरेक्ट बस मिल जाएगी। तो बस हमने भी मेट्रो पकड़ी एंड CMBT बस टर्मिनल से पौंडीचेरी के लिए AC बस में बैठ गए। AC बस का फेयर था 245 रुपीज पर हेड एंड नॉन AC बस का फेयर था 150 रुपीज पर हेड। जिस दिन चेन्नई में लैंड किए उसी दिन CSK वर्सेस KKR का मैच था, एंड वो भी चेन्नई में। तो हम भी मैच देखने लगे, स्टेडियम में तो नहीं पर अपने iPad में, क्योंकि पौंडीचेरी पहुंचने में आराम से 4 घंटे लगेंगे। वेलकम गाइस टू दिस न्यू व्लॉग, माय फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग, एंड आई एम इन पौंडीचेरी एज यू हैव ऑलरेडी सीन। कल रात को आते आते ऑलमोस्ट 12:30 बज गए थे और थके हुए भी थे तो सो गए थे सब, एंड आज सुबह 9 बजे नींद खुली। तो अब ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, नीचे पास में ही इडली सांभर वाला साउथ इंडियन की शॉप है, एंड वहीं पे अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर घूमने के लिए चेंज करते हैं। इसी के सामने ही यहाँ पे पिज़्ज़ा हट है, पर हम खाएंगे साउथ इंडियन। डोमिनोज भी है। ये 30 रुपीज की प्लेट थी जिसमें 3 इडली 1 वड़ा था विद सांबर एंड नारियल चटनी। स्कूटी भी रेंट पे ले ली, 2400 फॉर 7 डेज, एंड ये नए वाली है 6G, एंड बाइक्स फॉर अराउंड 4000। फिर सबसे पहले हम गए ओरो बीच, क्योंकि ये थोड़ी दूर है सिटी से तो हमें लगा कि भीड़ कम होगी, एंड वैसा ही था। कश्मीर से कन्याकुमारी श्रीलंका जाएंगे नेक्स्ट। यस राइट, एक्चुअली इससे पहले भैया और मैं कश्मीर ट्रिप पे गए थे साथ। काफी सारे बीचेस थे तो हमने स्टार्ट करा था ओरो बीच से, क्योंकि वो थोड़ी लेस फेमस बीच है एंड वहाँ पे भीड़ भी कम ही थी, तो वहाँ पे आराम से हम नहाए थे। फिर यहाँ पे भी नहाना पड़ा क्योंकि वो सैंड जा ही नहीं रही थी, एंड अच्छे से घर आके शैम्पू करा और सोप से नहाए, एंड अब रेडी हो चुके हैं रात के लिए, एंड दिस इज माय आउटफिट। वेट, कपड़े भी तो धोने हैं बीच पर जो पहन के गए थे। आगे हॉस्टल में रहूंगा उसकी तैयारी हो रही है। अभी तो भूख लगी है, कुछ खाने का देखते हैं। मेरा कुछ स्वीट खाने का मन है, डेजर्ट टाइप, कुछ यहाँ का ऑथेंटिक देखते हैं। जितना मैंने सर्च करा उसमें मुझे 2 मिले, एक हॉट ब्रेड और एक बेकर स्ट्रीट। बेकर स्ट्रीट प्रोमिनेंट रोड पे है, तो वहाँ पे अभी थोड़ी देर बाद जाना ही है, तो वहाँ पे नहीं जा रहे अभी। मेरे होटल के पास है हॉट ब्रेड, वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है। आई टुक स्ट्रॉबेरी पाई एंड बटर क्रोसां। बोथ क्रोसां एंड स्ट्रॉबेरी पाई, दे वर टू गुड। They were melting as soon as अपने bite ली, amazing। And price इतना सस्ता यार, 155 बैठ रहा था, पर मैंने cash दिया तो उनके पास change नहीं था, तो 150 में उन्होंने कर दिया। मैंने कहा मैं UPI कर देता हूँ, कहते नहीं no problem। They were so sweet and the food was on another level। So please try hot bread। इसके बाद हम गए GMT पे जो कि रॉक बीच पे है, एंड ये भैया की फाइंड थी तो पॉइंट्स टू हिम। लाइफ की बेस्ट आइसक्रीम खाई मैंने यहाँ अपनी। यहाँ पे आपको बहुत सारे कस्टम फ्लेवर्स मिलेंगे एंड रोज कुछ नया फ्लेवर देखने को मिलेगा। दे एक्चुअली नो व्हाट दे आर डूइंग। आई डोंट नो द नेम करेक्टली, बट दिस इटालियन जियाडुना, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, दिस वन इज द बेस्ट। इट इज ओनली 100 रुपीज एंड एक्चुअली अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है तो ऐसा नहीं है। सब शॉप्स अराउंड 9 बजे बंद हो जाती हैं एंड सारे कैफेज अराउंड 10-11 बजे बंद हो जाते हैं। हे गाइस, मैं सुबह यहाँ पे सनराइज देखने आया था। सनराइज तो देख लिया, पर आते आते कितना अच्छा नजारा दिखा है। सी लेट्स गो टू अरुलमिगु मनाकुला विनयनगर टेम्पल, अगर मैंने सही प्रोनाउंस किया है। वैसे तो स्कूटी है अपने पास, पर ये भी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है अपने होटल से, 500 मीटर। तो पहले वाले टेंपल में चल के ही जा रहा हूँ,
जय श्री गणेश। 5 मिनट भी नहीं लगे और पहुंच गए। वॉट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस इट वॉज। दर्शन किए, अच्छे से प्रसाद चढ़ाया, बहुत ज़्यादा पीसफुल। मतलब जैसे आप टर्न लेते हो, मंदिर का पहला व्यू आप देखते हो, एकदम से मन में एनर्जी जनरेट होती है। इट कांट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स। सबसे पहले गणेश जी के दर्शन करें, सबसे पहला मंदिर उन्हीं का था, अब नेक्स्ट मंदिर विष्णु जी का है एंड दुर्गा माता का है, ये 2 मंदिर और है। आज के सेकेंड टेम्पल पर जा रहे हैं, वृद्धराज पेरूमल टेम्पल, विष्णु जी का टेम्पल है एंड यहाँ से मेरे होटल से अराउंड 500 ए मीटर दूर है। वो जो गणेश जी का था वो लेफ्ट साइड में था, ये राइट साइड में, तो बहुत ही अच्छी जगह होटल लिया है हमने। स्कूटी होटल पे ही खड़ी कर दी क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ मिलेगी, तो खड़ी करने की जगह मिले या ना मिले पता नहीं, एंड वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है तो क्योंकि ना वॉक करके जाया जाए, इसीलिए नहीं ला रहा था मैं स्कूटी। विष्णु भगवान जी के भी दर्शन कर लिए एंड बहुत ज़्यादा सुकून मिला, तो आज गणेश जी एंड विष्णु भगवान 2 मंदिर के दर्शन कर लिए आपको। एंड आपको ये बहुत सारे मंदिर मिलेंगे यहाँ पे, मैं कमी में जा रहा हूँ, बहुत सारे मंदिर अगर आप करना कवर करना चाहो तो। ये एक और टेंपल पड़ गया रास्ते में ना, वैसे बहुत सारे टेम्पल्स मिलेंगे आपको। इसके बाद मैं गया आर लेडी ऑफ एंजल्स चर्च, जो कि अपनी सीलिंग के लिए बहुत फेमस है एंड सच में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। हाँ, थोड़े रिपेयर वर्क की ज़रूरत है, पर अदरवाइज इट वॉज अमेजिंग। इसके बाद मैं गया इमैक्युलेट कंसेप्शन कैथेड्रल एंड ये भी फेमस चर्च है यहाँ का। फिर मैं आ गया कामाक्षी अम्मन टेंपल, जो कि दुर्गा माता का टेंपल है। डिलाइटफुल एंड पीसफुल। नेक्स्ट डे मैंने एक्सप्लोर करी ये ग्रेफिटी, जो कि पौंडीचेरी की बहुत फेमस ग्रेफिटी है एंड इसका नेम है पौंडी लेडी ग्रेफिटी। यहाँ पे बहुत सारी कूल फोटोज क्लिक करी मैंने। आज मैं जा रहा हूँ अपने फेवरेट कैफे कॉफी पीने, द स्पॉट, जिससे यहाँ का बेस्ट व्यू मिलता है। यहाँ का जो सेटअप एंड एम्बियंस है वो अलग लेवल है। प्रॉपर फ्रेंच ओन्ड रेस्टोरेंट है ये एंड यहाँ पे डिशेज भी आपको वही मिलेगी। But I was the fan of the view. I enjoyed my coffee here, which was super tasty and the view added a cherry on top. Then I visited Pondicherry Museum, जहां का टिकट बस 10 रुपए था एंड यहां पे अंदर वीडियो शूट करना अलाउड नहीं था, तो बस बाहर की ही कर पाया मैं। बट ये वर्थ इट है, आई कैन बेट दैट यू विल बी लेफ्ट अम्यूज्ड।
रॉक बीच पे गांधी स्टैचू के पास ही आपको मिलेगा एक क्राफ्ट बाजार जहाँ पे आप सुवीनियर्स ले सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। फिर मैं फाइनली आ गया बेकर स्ट्रीट पे एंड ये वाला बेकर स्ट्रीट नया वाला है, जो ओरिजिनल है वो अंदर है, उसमें भी जाऊंगा मैं वीडियो के एंड में, तो प्लीज वीडियो पूरी देखें। एंड यहाँ मैंने खाया चॉकलेट क्रोसॉ एंड सेबल मिल्क चॉकलेट। फिर नेक्स्ट डे मैं निकल गया महाबलीपुरम के लिए। पांडिचेरी के मेन बस स्टैंड से बस ली एंड टिकट मुझे पड़ी नॉन एसी बस की 91 रुपीज एंड इट टुक अराउंड 2.5 आवर्स। यहाँ पे मुझे बस ने उतारा एंड मैं तो चल पड़ा था शो टेम्पल की तरफ, पर रास्ते में मुझे दिख गया ये मुकुंदा न्यायनर टेम्पल, तो इसको भी एक्सप्लोर कर लिया मैंने क्योंकि मैं वॉक करके जा रहा था शो टेम्पल, तो इसलिए रास्ते में इस पे नजर पड़ गई मेरी, वरना सीधा शो टेम्पल ही उतारता मुझे ऑटो। लाइफ में पहली बार मेरे ऊपर किसी चिड़िया ने बीट करी है। शो टेम्पल से पहले ये टिकट काउंटर दिखेगा आपको एंड यहाँ की टिकट 35 रुपीज पड़ेगी अगर ऑनलाइन लोगे तो, एंड ऑफलाइन लोगे कैश से तो 40 रुपीज की है। एंड ये टिकट सारे मॉन्यूमेंट्स की कंबाइंड टिकट है और कहीं टिकट लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको, बस लाइट हाउस की टिकट सेपरेट है 10 रुपीज की। एंड एज यू वॉक टूवर्ड्स द शो टेम्पल यू कैन फील द मैग्निफिसेंस ऑफ दिस टेम्पल, इट वॉज रियली बियॉन्ड वर्ड्स। इसके बाद मैं गया महाबलीपुरम बीच, जहां से मैं जल्दी ही आ गया क्योंकि धूप बहुत ज्यादा तेज थी। आपको मैं एडवाइस करूंगा कि महाबलीपुरम ट्रिप के लिए अम्ब्रेला लेकर जरूर जाएं। फिर मैं निकल पड़ा कृष्णाज बटर बॉल को देखने के लिए एंड रास्ते में मुझे दिखी ये दो चीजें। एंड फाइनली मैं पहुंचा कृष्णाज बटर बॉल एंड एक चीज ASI की बहुत अच्छी लगी मुझे कि QR कोड स्कैन करके आप साथ साथ ऑडियो टूर भी ले सकते हो इस मॉन्यूमेंट का। यहीं पे पास में आपको ऐसे और भी सेंचुरीज ओल्ड मॉन्यूमेंट्स दिख जाएंगे। फिर मैं आया 5 रथ देखने, जो कि द्रौपदी, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर एंड नकुल एंड सहदेव के रथ थे। एंड सबसे लास्ट में मैं गया लाइट हाउस, जहाँ का अलग से टिकट लेना पड़ा था मुझे 10 रुपीज का। नेक्स्ट डे मैं गया ईडन बीच, जो कि ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है इंडिया की एंड सबसे ज्यादा क्लीन एंड सुंदर बीच लगी है मुझे अब तक की।
क्योंकि मेरी अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी चेन्नई से दिल्ली की, तो मुझे रात में ही चेन्नई के लिए निकलना था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ बेकरीज एक्सप्लोर की जाए। पहले मैं ले पेटिट फो गया, पर यहाँ पे तो सब खत्म हो चुका था। तो मैं गया इसके बाद फिर ओरिजिनल बेकर स्ट्रीट पे, एंड थैंक गॉड आई वेंट देयर। गाइस, ओरिजिनल बेकर स्ट्रीट पे ही जाना, यहाँ आपको ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे और ज्यादा स्टॉक भी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मैंने कुछ नया ट्राई करा था, ट्रैवल व्लॉग, एंड साथ में आपको इन्फॉर्मेशन भी दूं उसमें। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि कैसी लगी एंड मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ एंड नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग आपको कहाँ का चाहिए। पर उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।